एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 9 दैट इज डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। यहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ गिवन है। क्या होता है पिक्टोग्राफ? जब हम किसी डेटा को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ। यहाँ पे देखिए, जो डेटा है वो पिक्चर के फॉर्म में दी गई है। तो ये जो पिक्टोग्राफ है, ये 5 विलेजेस में नंबर ऑफ ट्रैक्टर को शो कर रहा है। देखिए, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। विलेज ए में कितने ट्रैक्टर्स हैं? ये पिक्चर्स के फॉर्म में दिए हैं। बी में कितने ट्रैक्टर्स हैं? सी में कितने ट्रैक्टर्स हैं? डी में और ई में, सब पिक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको हिंट गिवन है कि एक ट्रैक्टर की जो पिक्चर है वो एक ट्रैक्टर के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पिक्चर है एक ट्रैक्टर की, इसका मतलब वन ट्रैक्टर, इसका भी मतलब वन ट्रैक्टर, इसका भी मतलब वन ट्रैक्टर, इसका मतलब वन ट्रैक्टर, इसका मतलब वन ट्रैक्टर और इसका मतलब वन ट्रैक्टर। तो विलेज ए में कितने ट्रैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। विलेज ए में 6 ट्रैक्टर्स हैं। कितने? 6। अब विलेज बी में बताइए कितने ट्रैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने ट्रैक्टर्स हैं? 5। हर एक ट्रैक्टर एक एक ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, 1, 1, 1, 1, 1। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना होगा? 5। उसी तरीके से विलेज सी में कितने ट्रैक्टर्स हैं? काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज डी में 1, 2, 3 ट्रैक्टर्स हैं। एंड विलेज ई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रैक्टर्स हैं। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करिए और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व यही करना था कि एक ट्रैक्टर जो है, ये जो फिगर है ट्रैक्टर का, ये एक ट्रैक्टर के बराबर है। तो इसका मतलब विलेज ए में कितने ट्रैक्टर है? 6। विलेज बी में 5। विलेज सी में 8। विलेज डी में 3 एंड विलेज ई में 6। अब चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ऐसा कौन सा विलेज है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं? तो देखिए, सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स किसमें है? ये 3 सबसे कम नंबर है ना, बाकी तो सब ज्यादा है। 6, 5, 8, 3, 6 में सबसे कम 3 है। ये किस विलेज में है? विलेज डी में। विलेज डी में सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विलेज डी। नाउ सेकेंड, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ऐसा कौन सा विलेज है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं? तो सबसे ज्यादा नंबर यहां पे 8 है। 8 ट्रैक्टर्स किस विलेज में है? तो विलेज सी में। लिख दीजिए यहां पे विलेज सी। विलेज सी। थर्ड, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। विलेज सी में कितने ट्रैक्टर ज्यादा हैं विलेज बी के कंपेयर में? विलेज सी में कितने ट्रैक्टर्स ज्यादा हैं विलेज बी के कंपेयर में? तो ये है विलेज सी। विलेज सी में 8 ट्रैक्टर है और ये है विलेज बी। विलेज बी में 5 ट्रैक्टर है। तो बताइए, विलेज सी में कितने ट्रैक्टर्स ज्यादा हैं विलेज बी के कंपेयर में? तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 - 5 करेंगे ना, 8 - 5 = कितना आएगा? 3। तो आप आंसर लिख दीजिए कितना? 3। 3 ट्रैक्टर्स ज्यादा हैं विलेज सी में विलेज बी के कंपेयर में। ठीक है। अब फोर्थ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। ठीक है, 5 विलेजेस के ट्रैक्टर्स दिए हुए हैं। अब 5 विलेजेस में टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबको ऐड कर दीजिए। विलेज ए में है 6, विलेज बी में है 5, विलेज सी में है 8, विलेज डी में है 3 और विलेज ई में है 6। तो सबको ऐड करिए, 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 3, 22, 22 + 6, 28। ठीक है, तो 5 विलेजेस को मिलाकर टोटल 28 ट्रैक्टर्स हैं। ये आपका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए।
होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।